कोविड-19 जब दुनिया में आई और तबाही मचाना शुरू किया, तब सब लोग यही सोच रहे थे कि कब कोरोना की दवा आएगी और कब हम सबों को इस बीमारी से निजात मिलेगी। आखिरकार डॉक्टरों और चिकित्सकों वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद कोरोना का वैक्सीन निकाला गया, लेकिन जब वैक्सीन हम लोगों के बीच आ गई तब लोग वैक्सीन को लेकर उतने सजग और सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं जितना कोरोना के आने के दौरान हुए थे। नतीजा देखने को सामने आ रहा है कि अभी भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैक्सीन को लेकर यह भ्रम लोगों में दूर हो, इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ऐसा ही एक नाम इस अभियान में जुड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता और आकाशवाणी की उद्घोषिका शर्मिला सुमी का। शर्मिला सुमी इन दिनों लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रही हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा रही हैं, महिलाओं और पुरुषों से बातचीत करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि अभी जब कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में कोरोना का वैक्सीन यानी कि कोरोना का जो टीका है वही सबसे कारगर उपाय है, वही एकमात्र हथियार है जब हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। अभी हाल ही में शर्मिला सुमी ने कई गांवों का भ्रमण कर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया और वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी शर्मिला अपनी टीम के साथ भ्रमण कर रही हैं और लोगों को यह बता रही है कि वैक्सीन लेने से कहीं कोई नुकसान नहीं है, कहीं इसमें भ्रम की स्थिति न पालें और सब लोग, घर के परिवार के सदस्य, तमाम लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वे तमाम लोग वैक्सीन लें, तभी हम इस बीमारी को जड़ से दूर कर पाएंगे, बचा सकता है। वैक्सीन जागरूकता के क्रम में आज मैं शहर के गुजरापट्टी मोहल्ले में गई, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। लगभग 550 की बस्ती में बड़े ही दुर्भाग्य से मैं बता रही हूँ कि 5-6% लोगों ने ही कोरोना वैक्सीन ले रखी है और उनमें भी अंधविश्वास है कि अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो कोरोना वैक्सीन लेते ही हमारी मौत हो जाएगी, या अगर किस बीमारी से ग्रसित हैं तो हम लें न लें, हमारी कितनी उम्र है तो हम ले सकते हैं कि नहीं। इन सारी समस्याओं का, सारी उनकी शंकाओं का समाधान मैंने किया और मैंने बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। आज से मेमोरियल हॉल में सिख समुदाय के द्वारा कोरोना वैक्सीन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। 4:00 से आप सभी जाएं और वहाँ कोरोना वैक्सीन मुफ्त लें आधार कार्ड के साथ जाकर। और सभी से विनम्र निवेदन होगा कि आपके आसपास जो भी लोग रहते हों, आपके घर में जो भी लोग काम करते हों, उन्हें भी जागरूक करें वैक्सीन के प्रति और अपने निकट केंद्र पर जाने में उनकी भरपूर सहायता करें और उन्हें बताएं कि यह वैक्सीन बेहद सुरक्षित है और यही आपको कोरोना महामारी से बचा सकता है।